अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी मटन कढ़ाई। उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं 1 किलो मटन यूज़ कर रही हूँ, 2 बड़े साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक एंड 1/2 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े साइज़ का टमाटर। पहले मैं कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है। अब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं अनियन ऐड कर दूंगी। 5 मिनट मैंने प्याज को फ्राई किया है कुकिंग ऑयल में। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त को ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा भून लूंगी। इसके अंदर पूरे 5 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर दूंगी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑल स्पाइस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम की हुई है। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब लो फ्लेम करके मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी। पूरे 20 मिनट हो गए हैं मुझे, मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा हुआ है। इसके अंदर अभी पानी है और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा गोश्त भी तकरीबन गल जाएगा। अगर हम इसे प्रेशर में बनाएंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। पूरा 1 घंटा हो गया मुझे इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रखे हुए। ये बन गया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम हाई कर दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। गोश्त को मैंने गला लिया था पहले ही, पूरे 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे रखे। अब गरम मसाला इसके अंदर ऐड करके मैं 2 मिनट के लिए इसे भून लूँगी अच्छे से। इसे मैं इसे भून चुकी हूँ। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूँगी। मटन कढ़ाई बनके तैयार है। मटन कढ़ाई की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और मज़ेदार वीडियो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।